महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा के वोट पड़ने हैं 20 नवंबर यानी कि कल। माहिम सीट की हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि एक पार्टी जो खास विचारधारा से चलती है, जिसमें मैं शिवसेना की चर्चा करूंगा कि जब वह पार्टी अपनी विचारधारा से भटकती है तो उसका परिणाम क्या होता है। यहाँ दोस्तों स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फाइव इंडिया में, मैं वीके वत्स। शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना जो कई दशक तक मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका सिक्का चलता रहा, जिसका दबदबा रहा, आज वह किस स्थिति में पहुंच गई है और इसकी एक एक एकदम स्पष्ट वानगी आज दिखाई देती है कि माहिम सीट जो मुंबई की 11 विधानसभा में से एक सीट है, आज उसपे तीन तरफ से सेना के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। सेना का मतलब शिवसेना, उद्धव गुट की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण शिवसेना, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। इस तरीके से आप ये देखिए कि ये तीनों जो पार्टियां हैं इनका आज से कुछ दशक पहले अगर आप बेस देखेंगे तो एक ही था और आज ये पार्टियां आमने सामने हैं और एक मामूली से विधानसभा सीट पर तीनों पार्टियां जो कि एक ही हुआ करती थी और उनके टूटे हुए गठबंधन उस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और शिवसेना जिसे बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से और विचारों को उसमें पिरो कर बाला साहब ठाकरे ने कई दशक की मेहनत से खड़ा किया था और मुंबई को जिहादी तत्वों से और तमाम तरह की जो राजनीति थी वहां की, जो देश विरोधी राजनीति थी, उससे मुंबई को, महाराष्ट्र को बचाया था। और सत्ता में रहें चाहे सत्ता में ना रहें, लेकिन शिवसेना की ही मुंबई में चलती थी और राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा होता था। और बाला साहब ठाकरे का एक सिद्धांत था कि वह पार्टी को बाहर से सपोर्ट करते थे लेकिन परिवार से कभी उसमें सीधे उनका कोई सदस्य नहीं होता था, यह उनका सिद्धांत था। लेकिन अपने जीवित रहते हुए उन्होंने जब पार्टी का उत्तराधिकारी बदलना चाहा, जब वो थोड़ा सा उनकी राजनीति और सक्रियता शिथिल हो रही थी, तब उन्होंने नंबर दो का जो हकदार होता था, उनका भतीजा राज ठाकरे, उसे न चुनते हुए उद्धव ठाकरे को पुत्र मोह में अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया और इस बात को बिना जज किए कि उनका विजन कैसा है, उनमें राजनीतिक परिपक्वता कैसी है, उनमें मेहनत कैसी है और उनका जनाधार कैसा है। और यही कारण है कि कालांतर में जाके वह शिवसेना अपनी विचारधारा से भटकती है और खंड खंड हो जाती है और वास्तविक उत्तराधिकारी कोई और सामने आता है, जो वास्तव में इस समय एकनाथ शिंदे हैं। अभी से पिछली विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें बीजेपी और शिवसेना, यानी कि उद्धव ठाकरे उस समय शिवसेना के मुखिया थे, बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर विधानसभा सीटों पर साझे के साथ इलेक्शन लड़ा था और यह वहां महायुति गठबंधन के नाम से लड़ी गई थी। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो बीजेपी की दावेदारी मजबूत थी और बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री मेरा होगा, तो उद्धव ठाकरे इस बात के लिए मतभेद उनका हो गया कि मुख्यमंत्री हमें चाहिए और नहीं तो उन्होंने अपने तेवर ऐसे दिखाए कि वह कुछ भी कर सकते हैं। और उस समय उनके अंदर जो सत्ता का लालच जाग गया था वही उनके पतन का कारण बना और वह उस गोद में जाके बैठ गए जो विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था, बाला स्वर्गीय बाला साहब के ठाकरे की विचारधारा के विपरीत था। 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का स्वर्गवास हुआ था। आज 12 साल हुए हैं लेकिन शिवसेना किस गति में पहुंच गई, यह बहुत विचार करने लायक है और बहुत चिंतनीय है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, किसी संगठन और पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो यह संदेश दे जाता है कि जब आप विचारधारा से भटकते हैं या समझौता करते हैं तो किस तरीके से पतन को प्राप्त होते हैं। तो जो पिछली विधानसभा थी, उद्धव ठाकरे सत्ताओं में लालच में कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन कर लेते हैं और मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। उसी बीच में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि उनका यह निर्णय उनको खुश कर सकता है लेकिन शायद शिवसैनिकों को भी खुश कर देगा, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं शिवसैनिक इस बात के लिए वोट नहीं दिए थे और यह असंतोष पनपता रहा। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई जैसे कि कंगना रनौत पर जिस तरीके से पार्टी का स्टैंड रहा और उसके घर को बुलडोजर से उन्होंने कुछ हिस्से को गिराया, और जो नवनीत राणा के साथ जो हनुमान चालीसा को लेकर जो उनका राजनीतिक निर्णय और नीतियां रहीं, और इसी तरीके से पालघर में साधु संतों पर जो हमले हुए उसमें जो निष्क्रियता दिखाई, इस वजह से पार्टी और हिंदूवादी वोटों
में बहुत ज्यादा असंतोष था, और इसी असंतोष के बढ़ते बढ़ते जो शिवसैनिक थे, जो विधायक थे, जो उनकी शिवसेना, जो शिवसेना के जो विधायक थे, उनमें बड़ी संख्या में असंतोष पनप रहा था, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह असंतोष बीजेपी की तरफ चला जाता है। और बड़ी संख्या में जब विधायक जाते हैं तो पार्टी टूट के दो खंड में हो जाती है। अब लड़ाई होती है कि असली शिवसेना किसकी होगी, शिवसेना का मालिक कौन होगा, मुखिया कौन होगा। मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला देता है कि पार्टी के मुख्य उत्तराधिकारी वो होंगे, और इसी तरीके से राजनीतिक जो चिन्ह था वह भी उनके हाथ में चला जाता है। और उद्धव ठाकरे न घर के रहते हैं न घाट के, जिस तरीके से पुत्र मोह में बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को चुना था, यही उद्धव कुछ ही वर्षों में पार्टी को किस आश्रम पहुंचा देते हैं, यह देखने लायक है। अब हम आते हैं माहिम सीट की चर्चा के विषय में। आज बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें बड़ा ही दुख और आश्चर्य होता कि जिस पार्टी को, जिस विचारधारा को उन्होंने खड़ा किया था, उसका क्या हश्र हुआ, और यह सिर्फ पुत्र मोह के कारण हुआ। महाभारत इस बात का साक्षी है कि सत्ता में ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो योग्य हो, जिसका विजन हो, जिसके पीछे जराधार हो, जो जनता को समझता हो और जनता के साथ और विचारधारा के साथ चल सके, न कि सिर्फ सत्ता मोह में वह डूबा रहे, सत्ता की मद में रहे। तो सत्ता की मद में रहने के कारण उद्धव ठाकरे का यह हश्र हुआ कि आज उनके पास न पार्टी है न पार्टी का चिन्ह है। और माहिम सीट की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। माहिम सीट पे जो मुकाबला है वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। माहिम सीट मुंबई की 11 विधानसभाओं में से एक है जिसपे लगातार शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर जीतते रहे हैं। 3 से 4 बार वो लगभग वहां से जीते हैं। तो इस सीट पर शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS यानी कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि राज ठाकरे NDA के साथ हैं, यानी कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को इस सीट पर से उतारकर लोगों का यह भ्रम दूर कर दिया, और अब यह स्पष्ट हो गया कि राज ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। और राज ठाकरे ने माहिम सीट की मांग की थी अपने पुत्र, अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए, लेकिन चूंकि वहां से शिवसेना का उम्मीदवार लगातार जीतता रहा है और एकनाथ शिंदे ने इस सीट को सदा सरवणकर के लिए ही घोषित कर रखा था, तो वह उन्होंने उस पर समझौता नहीं किया, और बीजेपी भी कुछ इस पर कह नहीं सकती थी, यह फैसला एकनाथ शिंदे को करना था। तो इस तरीके से माहिम की सीट पर जिस तरीके से आज वो पार्टी जिसकी जड़ें एक ही हुआ करती थी, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से जुड़ी थी, आज वह खंड खंड होकर पक्ष और विपक्ष के रूप में माहिम की सीट पर लड़ रही है। और यह मामला बड़ा ही दिलचस्प है, और अपने आप में राजनीति किस हश्र में पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, समय के हाथ में सब कुछ होता है। वो विचारधारा से चली हुई पार्टी किस तरीके से भटकते भटकते आज 3 खंड में हो गई, और माहिम सीट पर इस पार्टी के तीनों खंड एक साथ लड़ रहे हैं। और जहां उद्धव गुट जो है यह कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वहां से सीट लेकर लड़ाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से बीजेपी की तरफ से जो NDA गठबंधन है उसकी तरफ से एकनाथ शिंदे के सदा सरवणकर है। तो यह मामला बड़ा ही दिलचस्प है, कल वोट पड़ने हैं, और महाराष्ट्र की जनता अब देखिए कौन सी जनता अपने को पक्का वाला और सच्चा वाला शिवसैनिक समझेगी। उस हिसाब से देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे के जो वैचारिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए तो वह एकनाथ शिंदे हैं। असली शिवसेना उनके पास है, शिवसैनिकों का समर्थन उनके पास है, बाकी पार्टी में नेता के प्रति अगर किसी का मोह होगा तो ऐसे कुछ वोटर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ हो सकते हैं, लेकिन असली शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। चुनाव रिजल्ट ही बताएगा कि वहां से कौन जीतता है, और यह अपने आप में बहुत रोचक और बड़ा दिलचस्प मामला है कि वही बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज किस स्थिति में पहुंच गई। बाला साहब की आत्मा जहां भी होगी वह देख के रोती होगी कि जिस पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूती से खड़ा किया था और जिसका सिक्का चलता था महाराष्ट्र की राजनीति में, आज उसकी हैसियत ये हो गई है कि आमने सामने वे स्वयं लड़ रहे हैं, और ये परिणाम 23 तारीख तक सामने आ जाएगा कि कौन वहाँ से जीतता है। हमारे द्वारा की हुई चर्चा आपको कैसी लगती है, और इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई रोचक और दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।